हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बंगाली दलित पोएट मनोहर मोली बिस्वास की पोएम आई शिल गो टू द वॉर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू वोंट मिस एनी नोटिफिकेशन एंड एनी अपडेट्स फ्रॉम द चैनल। नाउ लेट्स स्किप टू द पोएम। ये जो पोएम है वो हिडम्बा के बारे में है कि कैसे जो हिडम्बा थी वो फर्स्ट वाइफ थी एक पांडव भीमा की, लेकिन शी वॉज नॉट फॉर्चुनेट इनफ कि वो सारे जो राइट्स हैं और जो प्रिविलेजेस हैं क्वीन की वो इन्जॉय कर पाए, बिकॉज शी वॉज अ डेमिनिस। ठीक है, तो इसलिए उनको जो कोई भी राइट या फिर पैलेस में एंट्री नहीं मिला था। तो जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उसके बारे में जो उनके बेटे हैं घटोत्कच, वो बोलते हैं इस पोएम में कि आपके साथ क्या क्या इनजस्टिस हुआ है वो मुझे बताइए, आई विल गो टू द वॉर। अनशीथ्ड स्वॉर्ड ऑफ योर स्वधर्मा, कि जो आपकी अनकवर्ड स्वॉर्ड है, इवन टुडे फ्लैश लाइक थंडर, वो आज भी एक थंडर की तरह फ्लैश करती है, एक बिजली की तरह कड़कती है, ब्रेकिंग द एयर इनटू पीसेस, और वो इतनी क्षमता रखती है कि वो हवा को भी पीसेस में काट दे, स्लाइसिंग इट इनटू हाफ्स। आई एम नॉट बारूभानी, आई एम नॉट अभिमन्यु, कि मैं इन जैसा नहीं हूँ, आर्यन रेस का नहीं हूँ। आई एम अ चाइल्ड कंसीव्ड ऑफ आर्यन सीड, लेकिन मैं एक बच्चा हूँ जो कि आर्यन सीड से ही कंसीव हुआ हूँ। Forever I am identified as Ghatotkach, और जो मेरा नाम है वो है Ghatotkach। I shall go to war, mother, give permission, कि mother मुझे war में जाने का permission दीजिए। Now I know the identity of my father, अब तो मुझे अपने father की identity भी पता है कि मेरे father भीम है। My mother is Hidamba, और मेरी जो mummy है वो Hidamba है, incarnation of love, एक love की incarnation, but she has no right in the palace, लेकिन उनका जो महल में कोई भी जगह नहीं है उनके लिए, कोई भी उनके लिए right नहीं है। I am unwelcome there, मुझे भी वहाँ पे अच्छी तरीके से वेलकम नहीं किया जाता, मुझे भी वहाँ पे नहीं बुलाया जाता है। बट आई एम अ हीरो ऑफ हीरोज, लेकिन मैं एक हीरो ऑफ हीरोज हूँ, हैविंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ बर्ड एबनी, फिजिक ऑफ अ जंगल, कि जो मेरा फिजिक है वो बहुत ही हार्ड है, एक जंगली सा मेरा फिजिक है, हार्ड एंड वास्ट लाइक द मलकनगिरी हिल्स, कि इन हिल्स की तरह मैं बहुत बड़ा और वास्ट हूँ। आई कैन स्वेल एंड स्वेल हूँ, कि मैं निगल सकता हूँ ऑल द इनजस्टिस ऑफ द वर्ल्ड, ये जो सारे इनजस्टिस है वर्ल्ड का, जो भी बुराई फैल रही है वर्ल्ड में उसे ख़त्म कर सकता हूँ। देन वाई एम आई हेटेड, वाई एम आई इग्नोर, पर मुझे हेट क्यों किया जाता है, मुझे इग्नोर किया जाता है, मुझे ये नहीं पता, मुझे बताइए ये चीज़। आई शेल गो टू द वॉर मदर, गिव परमीशन, कि मुझे वॉर में जाने का परमीशन दीजिए। आई कैन पुट माई फिलाइल ड्यूटी अगेंस्ट धर्म, कि मेरी जो ड्यूटी है मैं उसे धर्म के अगेंस्ट रखूँगा। आई कैनॉट एक्सेप्ट द ओल्ड फैशन मिथ, कि मैं जो पुराना मिथ है ना, फादर इज़ हेवन फादर इज़ रिलीजन, कि पिता ही सब कुछ है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ लुक अप मदर, टेल मी, मम्मा प्लीज़ मेरी तरफ देखिए और मुझे बताइए, वर यू नॉट रेप्ड, आपका रेप तो नहीं हुआ था ना। हैव यू रिसीव्ड लव अ वुमेंस डिग्निटी, कि आपको प्यार मिला है, एक औरत की इज्जत मिली है। हैव यू गॉट द ऑनर ऑफ अ वाइफ इन द आर्यन होम, कि आपको सम्मान मिला है आर्यन के जो घर है उसमें। प्लीज़ आंसर मी इफ यू कैन, कि अगर आपके पास कोई आंसर है तो मुझे दीजिए। जो ये लास्ट लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये बात बोल रहे हैं ना, प्लीज़ आंसर मी इफ़ यू कैन, इसका मतलब है कि इस चीज़ का आंसर हिडम्बा के पास ही नहीं, पूरी जो एक सोसाइटी है हमारी, किसी के पास नहीं है कि एक वो ट्राइबल या फिर एक डेमिनिस थी तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। सो वी डोंट हैव अ प्रॉपर आंसर टू दिस थिंग। हाँ ठीक है, वो आर्यन रेस की नहीं थी तो उनके साथ इनजस्टिस हो गया, दिस इज़ द ओनली वैलिड आंसर दे गिव टू अस। तो वही चीज़ है कि कैसे एक्सप्लॉयट किया जाता है, और वो वायलेंस की चीज़ें वो ही यहाँ पे हाईलाइट की गई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोम, होप यू एंजॉयड दैट, लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू सो मच।